नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरीके से आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है, इस समय हम लोग इंदिरा नगर के तकरोही में हैं, जहां पे आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं। ये प्रबुद्ध अंबेडकर क्लब की भीड़ है, जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया, तो यहाँ के अध्यक्ष से हम बात करेंगे कार्यक्रम पर क्या कहेंगे, और आज जो पुण्यतिथि मनाई जा रही भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की, तो उस पर क्या कहेंगे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा बीडी भारती है और मैं इस बुद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ और प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, इस बुद्ध विहार का भी संस्थापक अध्यक्ष हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो भीमराव अम्बेडकर जी की आपकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आज बाबा साहब पूरे देश में याद किए जा रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 को वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी उस पुण्य स्मृति में हम सारे देश के अंदर ये मनाया जा रहा है कि दिन, और हम भी अपने इस बुद्ध विहार में जो 17,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, तब से हम बराबर बाबा साहब भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर और उनके परिनिर्वाण दिवस पर और भगवान बुद्ध के पूर्णिमाओं पर हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, भोजन दान करते हैं। तो आज जो बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पर तो वैसे लखनऊ के ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, क्योंकि पूरे शहर में कार्यक्रम हो रहा है और हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है, तो इसलिए, लेकिन बाराबंकी जिले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बंते जी हैं हमारे, बंते शिलांकर जी हैं जो इस बिहार के अध्यक्ष हैं, वो हैं, और बाराबंकी जिले से काफी लोग आए हैं, अपने लखनऊ जिले से भी काफी लोग आए हैं। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो बाबा साहब जी को याद कर रहे हैं, और जिस तरीके से कहा जाता है बाबा साहब जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का जो संविधान है उसको रचा था, और जो हम आज लोगों के साथ बराबरी का जो हिस्सा बन रहे हैं और लोग जो बराबरी का मौका पा रहे हैं, तो सब उन्हीं की देन है। तो संविधान के रचयिता भी बाबा साहब जी हैं। हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रपाल। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो वैसे लखनऊ में भी रहता हूँ, यहाँ मैंने कम से कम 33 साल एज ए IAS ऑफिसर गुजारे हैं। अब ये रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार से सचिव के रिटायर हुआ MSME डिपार्टमेंट से, फिर मैं आगरा में बस गया, क्योंकि आगरा में ही आई बिलोंग टू आगरा। तो बाबा साहब के बारे में लगभग 55 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 55 साल से सर, बहुत बड़ा आपने सफर तय किया। तो सर कुछ बताइए, जिस तरीके से हमारे आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानते हैं। नहीं, आजकल के बच्चे हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। इनफैक्ट वो आजकल जो सोशल मीडिया है वो इतना तेज है कि वो हम लोग सब उंगली नहीं चला पाते, वो फटफट सब जगह भेज देते हैं। अब तक तो भेज दिया होता, तो आजकल के नवयुवक, तो हमारे भविष्य की पीढ़ी है, वो बाबा साहब को अमर कर रहे, जैसे हम लोग अमर करते हैं वैसे वो भी उससे ज़्यादा अमर तेज़ी से करेंगे। बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें हैं, बैठ के करें तो अच्छी बात है, मैं खड़े होकर क्या क्या बोलूं, मैं तो बताऊंगा तो घंटों लगेंगे, मगर ये वास्तविकता है कि बाबा साहब के बिना हम कुछ हो ही नहीं सकते थे। आज जो कुछ हैं सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब न पैदा हुए होते तो हम लोग बस उसी तरह से झूठन कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहनते होते, हम और आप जो है अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे बनते हैं, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, संघर्ष किया, और शिक्षित हाईएस्ट शिक्षित पढ़ा, तो उनको सबसे कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, सारे संसार में सिंबल ऑफ नॉलेज अगर है कोई तो बाबा साहब को माना जाता है। उन्होंने ये बता दिया कि शिक्षा का महत्व क्या है, क्या है शिक्षा, अगर आपके पास शिक्षा है और शिक्षित है आप, तो आप किसी पद पे और किसी भी अधिक। उन्होंने निष्कर्ष निकाल के आज के दिन रात में जब उनकी डेथ हो रही थी 5 तारीख को, तब उन्होंने कहा कि देखिए, निजी सचिव थे, उनसे कहा कि दत्तू मैं ऐसे ऐसे है, मैं दुखी हूँ, रो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब रो क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरे मिलियंस बच्चे जो भूखे हैं, लंगे हैं, अशिक्षित हैं, मैं, मुझे डर है कि मेरे बाद ये कार्य आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बाबा साहब ने कहा था।
तो उन्होंने कहा कि एक तो शिक्षित बनो, ये मेन इशू यही है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हजारों वर्षों से हम लुटे पुटे रहे हैं, सारी संपत्ति छीन लिए, सारे अधिकार छीन लिए, केवल 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 शिक्षा मिली जो बाबा साहब ने दिया है, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, तो आज हमने यही कहा है कि हर आदमी को जो पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सामर्थ्यवान है, वो छोटा सा छोटा स्कूल चलाए, अपने मोहल्ले के बच्चों को ही पढ़ाए, मगर पढ़ाए, शिक्षित शिक्षित बनो। फिर शिक्षा जब आ जाएगी, आदमी अच्छा बुरा समझने लगेगा, तो अपने सोच के अनुसार आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, अगर अच्छा है तो समाज भी अच्छा बढ़ाएगा, और बात करेगा तो समाज की बात करेगा, अपराधियों से दूर रहने की बात करेगा, अपराधों से दूर रहने की बात करेगा। तो शिक्षा वो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाया, और शिक्षा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बुद्ध धर्म किताब लिखी थी उन्होंने, तो आज अब इसके बाद कौन उसे करेगा, मेरा कारवां को आगे मत बढ़ने, अगर पीछे नहीं हटो, नहीं आगे चल पाओ तो पीछे नहीं हटने देना, आगे चलना। तो और पढ़े लिखे लोगों ने, उन्होंने कहा था लोगों ने कि धोखा दिया है आगरा में, तो उन्होंने साफ कहा था कि पढ़े लिखे लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं और न गांवों में जाते हैं, न घरों में जाते हैं, न दूसरे लोगों से मिलते हैं, और ऑफिसर तो क्या कहने, वो तो जाने क्या हो जाते हैं, अपने खुदा समझते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि ये बात ध्यान रखें। तो सर आज बाबा साहब जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही बौद्ध विहार में, तो क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब अगर ना होते तो आज हम इसी स्थिति में ना होते, अब बाबा साहब की देन है जो आज हम लोग अच्छे कपड़े मकान अच्छे शिक्षा पास जगह, उन्हीं की देन है। कुछ लोग आजकल भाजपा के लोग बाबा साहब के बारे में अगर गलत प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उन्हें ये नहीं पता कि संविधान बाबा साहब ने डिक्टेशन किया, लिखने वाले थे बंगाल के थे, और उन्होंने राइटिंग में लिखा, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, आप भाजपा वाले गलत प्रचार कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अगर ना होते तो आज हम इस स्थिति में आते। बाबा साहब ने तीन चीज़ें बताई थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज उसका नतीजा कि काफ़ी लोग हम लोग शिक्षित हो गए हैं, लेकिन अभी एक कमी है हमारे में। कमी क्या है कि बौद्ध धर्म को नहीं अपना रहे। बाबा साहब ने 22 जगह बोली थी, जब बाबा साहब ने 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था नागपुर में, 22 क्या बोल रही है, कोई 22 नई बात नहीं है, उन्होंने कहा था हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं। तो आजकल बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं बाबा साहब के गलत बात, अरे बाबा साहब ने कहा था हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम बौद्ध धर्म को मानते, वो 22 क्या में कोई नई बात नहीं थी, 56 से हर एक जगह 22 क्या पढ़ी जा रही है, लेकिन आज ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे 22 क्या हिंदू धर्म के विरोधी हों। अरे हम नहीं मानते, हम बौद्ध धर्म को मानते, 22 क्या यही है कि हम जो ये पाखंड में विश्वास नहीं करते, या अंधविश्वास नहीं करते, हम बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। ये बाबा साहब कहा था अगर सब बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बनेगी, कम से कम 22 हैं भारतवर्ष के अंदर ऐसी, अगर वो सब बुद्धिस्ट बन जाए तो वर्ल्ड में नंबर एक बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन होगी जो इंडिया में होगी, भारतवर्ष के अंदर होगी। हम सबसे ये कहना कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते में चलिए और बौद्ध धर्म को अपनाइए और अपने क्या नाम जी इन सब बातों को पाखंड छोड़िए। मैं रहने वाला तो ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का हूँ, लेकिन 40 हो गए लखनऊ में। तो राज्य के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज तो जैसा कि बीडी भारती जी ने, चंद्रपाल साहब ने, निम्बेकर जी ने जो कुछ कहना था कह ही दिया है, आज आपको भी पता ही है बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उसको हम लोग परिनिर्वाण दिवस कहते हैं। तो आज के दिन दुख तो रहता है, लेकिन हम बाबा साहब से आज प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब जैसा कि चंद्रपाल साहब ने कहा कि अकेले थे, और उन्होंने इतने विशाल देश की हजारों साल पुरानी कुरीतियों को एक झटके में संविधान बना करके ख़त्म करने का जो कार्य किया, हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए लगे। बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य था, जिसको मिशन कहते हैं बाबा साहब का, हम लोग मिशन मिशन चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन वास्तव में है क्या? तो बाबा साहब कमीशन जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और संकल्प लिया था कि मैं अगर जीवित रहा तो मैं भारत बौद्धमय करीन, मैं भारत को बौद्धमय कर दूंगा। बौद्धमय क्यों कर दूंगा? कि बौद्ध धर्म समता, ममता, दया, करुणा, बंधुत्व, इसका धर्म है, और ये जब समाज में इसकी भावना जाएगी तो एक सुखद समाज बनेगा। तो इस प्रयास में बहुत कुछ लोगों ने कह दिया है। मैं 50 हो गए,
मैंने भी एक संकल्प लिया था कि बाबा साहब को के मिशन को, भगवान बुद्ध के धाम को हमने एक सील सांस्कृतिक मंडल बनाया, और उस मंडल के माध्यम से 50 वर्ष मुझे हो गए, गांव में, देहातों में, शहर के गले गले, मोहल्ले मोहल्ले में मैं बाबा साहब की बात करता हूं, भगवान बुद्ध की बात करता हूं, और अपने गीतों के माध्यम से समाज को जगाने का काम करता हूं। तो दो लाइन हमारे लिए भी। मानवता भूखी प्यासी, नैनों में नीर उदासी, पग पग पीड़ा अपमान, ऐसो में आयो बाबा साहब महान, ऐसो में आयो बाबा साहब महान, जुल्मो सितम की आग लगी थी, दर्द कराह में ये जिंदगी थी, सोए नरसिंह जगाया, सोए नरसिंह जगाया, जिंदा मुर्दों को बनाया, पशु से बनाया इंसान, ऐसो में आयो बाबा साहब जी महान, इसीलिए इसीलिए हमको प्यारा लगे जय भीम कनारा, इसीलिए हमको प्यारा लगे जय भीम कनारा, जय भीम। बहुत सुंदर, क्या कहेंगे सर जी आज? आज जैसा कि हमारे कमेटी के और ये शील जी ने, आदरणीय चंद्रपाल जी ने जो बताया उसको हम बताते हैं। आज के दिन खास तौर से भारतीय संविधान के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये कुछ अमेरिका से ले लिया गया, कुछ आयरलैंड से ले लिया गया, और कुछ इधर से लिया गया, उधर से लिया, ये हम बताना चाहते हैं, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी और पत्रकारों को, कि भारतीय संविधान पूरा का पूरा तथागत के 84,000 स्तूपों में उल्लिखित सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए उनके आधार पर लिखा गया है, जो करुणा और मैत्री पर आधारित है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के बुनियाद पर खड़ी है। तो ये भारतीय संविधान ही जो हमारा है, हमारे पुराने जो श्रमण संस्कृति है उसको रिवाइव करने वाला है, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ही इस धम्म को स्वीकार करके इसको आगे बढ़ाया है। और आपके चैनल के माध्यम से अर्चना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध उस समय के बुद्ध थे और बाबा साहब आज के बुद्ध हैं, बाबा साहब आधुनिक बुद्ध, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 सालों के इतिहास में, आधुनिक यूनिवर्सिटी में कोलंबिया विश्वविद्यालय सबसे आधुनिक है, वहाँ के 300 सालों के इतिहास को जब सर्च किया गया कि सबसे काबिल विद्यार्थी कौन है, तो उसमें टॉप पर वो आया कि भाई एक ही नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसमें जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी ने, तो वहाँ के प्राचीर पर उस पर एक स्टैचू स्थापित की गई और उस पर लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थात आधुनिक बुद्ध। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, उस समय के बुद्ध और आधुनिक बुद्ध। तो आज के दिन हम इस बुद्ध विहार में, लखनऊ का सबसे पुराना, 1994 में उसमें धम्म वीरियो साहब की ने आधारशिला रखी थी इसकी, आदरणीय बी डी भारती जी थे ये उसके हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और उस समय ये रखते हुए संकल्प लिया गया था, ये जनता के सहयोग से बना ये सबसे बड़ा बुद्ध विहार है यहाँ का, 17,000 स्क्वायर फीट में, और यहाँ पर अंतर जातीय विवाह खासतौर से जो जातियाँ हैं इसको तोड़ने का काम हम लोग करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो आज परिनिर्वाण दिवस पर हम बाबा साहब की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मशाल जो जलाई गई है ये बुद्ध विहार मंजिल तक पहुंचाएगा और उसको अपना उसके अंजाम तक पहुंचेगा, ये लखनऊ देखेगा। आज विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो है वो हम लोग मना रहे हैं, और इस अवसर पे उनकी जो कृतियां हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उस पर प्रकाश डालेंगे। और विशेषकर आज हमें बहुत ही सुना और बहुत ही
दुख है कि आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतित्व और उनका व्यक्तित्व आज हमारे साथ में है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो विश्व में अपने आप में एक अनोखा संविधान हमारे भारतवर्ष को दिया है, जो समता, समरसता, करुणा, दया के आधार पर आधारित है, और उन्होंने कार्ल मार्क्स की जो अपनी थ्योरी थी उसके उसके सामने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म की विशेषताओं को देखते हुए उन्होंने कार्ल मार्क्स के सामने इस बात को रखा कि अगर किसी जनता का और मानवता का उद्धार हो सकता है तो वो केवल और केवल बौद्ध धर्म पे हो सकता है। मेरा नाम है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और इस बिहार के प्रचार प्रसार के लिए मैं अपना समय, कीमती समय देता हूँ और लोगों के बीच जाता हूँ और लोगों का अलग अलग अनुभव मिलता है, और हमारे समाज को जगाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हम देखते हैं हमारे युवा इस मोहल्ले में रहते हैं लेकिन आगे नहीं आते हैं। हम अपील करना चाहते हैं उन लोगों से, नए लोगों से आए, इस बुद्ध विहार में जुड़े और अपना सहयोग दें। तो क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? अच्छा, मैं आज के अवसर पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर हम जो बुद्ध के बाद न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की कल्पना की थी, उसके बाद अगर कोई विश्व के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की। अब से करीबन सन 2003 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक शोध हुआ, उस शोध में विश्व के 5 महान मानवतावादी लोगों के नाम उद्धृत किए गए उस शोध में। उसमें पहला नाम तथागत बुद्ध का था, दूसरा नाम मसीहा ईसा मसीह जी का, और तीसरा नाम उन्होंने मोहम्मद साहब का, और चौथा नाम कार्ल मार्क्स का, और पांचवा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस शोध में प्रकाश में आया। तो विश्व के लिए एक पूरा संदेश था ये, जो न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित बात करता है। हमारा संविधान उसका गवाह है, उसका प्रतीक है हम सबके लिए, हम सब देशवासियों के लिए, कि उन जैसा व्यक्तित्व दुनिया में ना पैदा हुआ है, और आगे भी हमको तो कि वर्ल्ड ऑफ नॉलेज जो विश्व की ज्ञान है उसके प्रतीक हैं वो, ये सब लोगों ने मान लिया है, हम लोग भी उसी का अनुसरण करते हुए आप लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं। चंद्रपाल साहब हैं, ये बी डी भारती हैं, चौधरी साहब हैं, तमाम लोग इससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने किया, वर्तमान में हम कर रहे हैं, हमारे बाद हमारी औलादें करेंगी। जब तक न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की स्थापना नहीं हो जाती तब तक हमारा ये कार्य जारी रहेगा। सत में रहने वाला हरदोई का हूँ, और जब से इसका जन्म हुआ है मैं तब से इसका देखभाल कर रहा हूँ। आचार्य मोतीराम शास्त्री, साधना बुद्ध विहार, राष्ट्रीय पर बुद्ध अम्बेडकर क्लब के मैं संरक्षक हूँ, और मैं एक कविता के रूप में यहाँ इसको हम देना चाहते हैं। नानक ने नर्मता काया मती कबीर, जग को बुद्ध ने मता पार ब्रह्म के तीर, जहाँ जलती ज्योति अखंड है भीमराव पहुँच गए काट ब्रह्म का फन, 10 पारमिता 10 बलधारी है यही अतीत अनागत है, वैदिस मानस का मनन किया कुछ दुर्ब संध का तोड़ा है, देखो पुराण का अपना गगन महल अपना तव का थोड़ा है, रावण को 10 पारमिता 10 बलधारी है यही अतीत अनागत है, वैदिस मानस का मनन किया कुछ दुर्ब संध का तोड़ा है, इतिहास पढ़ो वो बुद्ध रहे
पावक में नार पठाकर भी लंका कहां चीवर जा रहा है, अपनी राय रुको अब भी वरना पोथी जल जाएंगे, वो फूकेगे तुम रोकोगे तब राय सामने आएगा, रावण का पुतला मत फूको, ये रावण नहीं तथागत है। साधु साधु। तो आज हम लोग आए थे इंदिरा नगर तकरोही में, जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, बौद्ध क्लब के द्वारा मनाई गई, यहाँ पर अंबेडकर बौद्ध क्लब के द्वारा मनाई गई, जहाँ पे हमने लोगों से बात करा किस तरीके से वो बाबा साहब के लिए क्या कहते हैं और उनको किस तरीके से याद करते। तो उन्होंने बताया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान की रचना की थी और संविधान को उन्होंने लिखा था, सभी देशवासियों को एक अधिकार दिया था, समानता का अधिकार दिया था, और उन्होंने बता दिया था कि अनेकता में एकता की क्या है मिसाल, क्योंकि अगर हम लोग सभी देशवासी एक होकर और एकजुट होकर के रहेंगे तो हम किसी भी चीज़ का अधिकार पाने में सक्षम रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।